था है? है? पूरा नाम बोलना, नाम नवाब ना। अच्छा कब से बात करो तू इनसे, ये बोल फोन फोन में कांटेक्ट करके ले जा रहा था, इसी का फोन नंबर। कब से कर रहा बात है, है? अरे एड्रेस बताओ। एक मिनट, कब से? एक दो साल हो गया। तेरे घर का एड्रेस क्या है? तुम कब से करती बेटा इससे बात? मुझसे बात ही नहीं कर रही। मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर में कहाँ से पूरा बोलना है? तुम बेटा कब से करती बात? अच्छा बोलो, तुमको कुछ नहीं होगा, बोलो। देवभूमि में लव जिहाद का एक अनोखा मामला सामने आया है। अब यहाँ उत्तराखंड की भोली भाली लड़कियों को ऑनलाइन गेम के जरिए अपने जाल में फंसाया जा रहा है और उन्हें लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। मामला उत्तरकाशी जिले के आरा कोट का है, जहाँ एक मुस्लिम समुदाय का युवक पहले तो नवाब से गुड्डू बना और फिर गुड्डू बनने के बाद उसने पबजी गेम से दो नाबालिग बहनों को अपने झांसे में फंसा कर उन्हें भगाने का प्रयास किया। वही घटना की जानकारी जब स्थानीय लोगों को मिली तो स्थानीय लोगों ने इस युवक को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें कि युवक का नाम नवाब है, जो कि प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। नवाब उर्फ गुड्डू ने पहले तो दोनों नाबालिग लड़कियों से ऑनलाइन गेम्स के जरिए दोस्ती की और फिर धीरे धीरे दोनों को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर शुरू हुई ऑनलाइन चैटिंग। धीरे धीरे प्यार भरी बातें शुरू हुई। अब प्यार परवान चढ़ा तो अश्लील बातें भी शुरू हो गई। फिर नवाब उर्फ गुड्डू ने प्लान बनाया दोनों बहनों को एक साथ भगाने का। गुरुवार को वो दोनों बहनों को लेने उत्तरकाशी के आरा कोट मोल्डी भी पहुंच गया। दोनों बहनों को भगा ही रहा था कि तभी उनका भांडा फूट गया और स्थानीय लोगों ने धर दबोच लिया। सर हमारे को तो सर 10 बजे रात को पता चला कि हम तो सोच रहे थे लड़की आ रहे आ रहे हैं। इस लड़के ने फोन करके इनको कांटेक्ट कर करके उसने बुलाया जी, लेकिन 20 किलोमीटर दूर से उतना चढ़ाई में से उतराई में उतरते उतरते थी, ये रात को लगभग 11 बज गए सर। ये कितने कितने साल की लड़की है? एक है 16 साल की सर, एक है 14 साल की सर। 16 साल इनको भड़काया भड़काया इसने आईफोन खरीदूंगा क्या खरीदूंगा बोला जी, देख लो जी ये तो किसी को पता है। बच्चों को फंसाया गया था, उसने फंसाया था। तब कल तो मुस्लिम था, वो मुस्लिम था, इनको हिंदू बोल के फंसाया गया था। फिर वो आमो ने मुड़ भेंट नहीं हो रखे थे बच्चे और वो मुस्लिम, और उसने फोन में कांटेक्ट करके वो कल मुड़ भेंट होने वाला था। नवाब दोनों बहनों से बड़े बड़े वादे कर उन्हें हसीन सपने दिखाता था। प्रदेश में नाम बदलकर हिंदू लड़की भगाने का ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले कई मामले आ चुके हैं, लेकिन ये पहला मामला है जब ऑनलाइन गेम के जरिए नाबालिग को फंसाया गया और फिर भगाने की कोशिश की गई। प्रदेश में लव जिहाद दीमक की तरफ फैल रहा है। बीते 10 दिनों के भीतर उत्तरकाशी में दूसरा मामला है। इससे पहले पुरोला घाटी में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था। लव जिहाद के खिलाफ सरकार को कड़ा कानून बनाना चाहिए, ताकि देवभूमि उत्तराखंड में ऐसी करतूत करने से पहले हर कोई 100 बार सोचे। सरकार के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी हैं। परिजनों को भी अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें जागरूक करना चाहिए, ताकि वो किसी के बहकावे में ना आ सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए उत्तरकाशी से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।